भीड़ वहाँ तक लेना पाए और भजन चलना जल्दी से स्थान खाली करिए। पीछे से लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, इनको मौका मिले। आराम आराम से आइए, आराम आराम से, आराम आराम से आइए। पेज महाराज जी के आगे आने पर अपने हाथ से ऊंचा उठा करके आगे बढ़ा दीजिए। नजरों में प्रणाम करते हुए आगे बढ़िए। गुरु महाराज की चरण पादुका में प्रणाम करके, मंदिर का प्रसाद लेकर के, सत्संग का प्रसाद ग्रहण कीजिएगा, तब अपने घरों को जाइएगा। आराम आराम से आइए, आराम आराम से। भाई लोग जल्दबाजी मत करें, महाराज जी के आगे आने पर अपने हाथ को ऊंचा उठा करके आगे बढ़ा दीजिए। आपकी सेवा भेंट दक्षिणा को स्वीकार कर लेंगे। नजरों में प्रणाम करते हुए आगे बढ़िए। महाराज जी की आंखों का प्रणाम असली प्रणाम है। जब आप किसी देव स्थान पर जाते हैं तो दया दृष्टि की ही तो जय गुरुदेव। महाराज जी बराबर अपनी दया आपके ऊपर डाल रहे हैं। ये सब गलत बात है, आंखों में प्रणाम गुड़ का नहीं खाओ। देखो जो लोग सोना नाम की बच्ची का अनाउंसमेंट कराए थे, वो बच्ची यहाँ आ गई है। उनके घर परिवार के लोग आ करके बच्ची को ले जाएं। आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से। महाराज जी की आंखों में प्रणाम करते हुए और अपनी दया दुआ मांगते हुए आगे बढ़िए। गुरु महाराज की चरण पादुका में प्रणाम वंदन करके आशीर्वाद लेना और मंदिर का प्रसाद जरूर ले जाइएगा। अपने घर में ले जाकर जो भी दो चार दाना मिले, इलायची दाना, बताशा, चीनी या मिस्त्री मिला करके बढ़ा लीजिएगा। जब संकट का समय आवे और उस मुसीबत की घड़ी में कोई बुलाने पर मदद न करे तो उस समय जय गुरुदेव नाम बोल करके प्रसाद का इस्तेमाल करिएगा। ये जय गुरुदेव नाम भगवान का समय का जगाया हुआ नाम है। भगवान के नाम में कभी कोई शंका संदेह नहीं करनी चाहिए। भगवान के नाम की अनंत सूची है, उस अनंत नामों की सूची में से एक नाम चुनकर महात्मा जब जगा लेते, सिद्ध कर लेते, वही नाम लोगों का कल्याण किया करता है। आज के समय में परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने गुरु महाराज की दया कृपा से साधना करके जब प्रभु को प्राप्त किया तो इस जय गुरुदेव नाम को जगाया है, सिद्ध किया है, इसमें ताकत